नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बात करेंगे आज के मौसम के बारे में। तो मध्य प्रदेश में अब बारिश का दौर लगभग थम चुका है। मौसम वैज्ञानिक अनुमान जता रहे हैं कि अगले 5 दिन मध्य प्रदेश का मौसम सामान्य रहेगा, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में तेज धूप निकलने की संभावना रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि मध्य प्रदेश में अब बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं है, इसके कारण अगले 5 दिन तक प्रदेश में हर जगह तेज धूप निकलेगी। मंगलवार को पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बारिश नहीं हुई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सभी जगह तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 5 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि 5 अक्टूबर के बाद मानसून MP से पूरी तरह से विदाई ले लेगा। आपको बता दें कि मानसून मध्य प्रदेश में 21 जून को आया था, उसके बाद तो मध्य प्रदेश में हर जिले में ऐसी बारिश हुई कि MP के लगभग सभी डैम को खोलना पड़ गया। सभी डैम ओवरफ्लो हो गए और इनके गेट 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 से 7 बार खोलने पड़े, तब जाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकल पाया। सभी डैम ओवरफ्लो हो गए और इनके गेट 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 से 7 बार खोलने पड़ गए, तब जाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकल पाया। डैम ओवरफ्लो होकर बहने लगे तो इसके कारण इनसे लगे नदी नालों में भी बाढ़ जैसे हालात बने रहे। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में तेज धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा। कुछ दिन गर्मी का एहसास भी हो सकता है लेकिन 1 सप्ताह बाद ही गुलाबी ठंड दस्तक देने लगेगी। वहीं बीते रविवार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन, शिवपुरी, रतलाम जैसे प्रदेश के 10 जिलों में बरसात हुई है, लेकिन यह बरसात वैसी नहीं थी जैसी 2 सप्ताह पहले हो रही थी। कुल मिलाकर झमाझम बारिश का दौर अब थम चुका है।